आज हमारे पास है BenQ का 27 इंच का 2K रिजोल्यूशन वाला मॉनिटर जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है प्रोफेशनल्स के लिए। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको घंटों घंटों अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के अपना सारा दिन बिताना होता है, फिर चाहे आप कोडिंग करो, वेब डिजाइनिंग करो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है आपको, वीडियो एडिटिंग करना है, ट्रेडिंग का कोई काम है, या फिर आप स्प्रेडशीट के ऊपर बहुत सारे डेटाज के ऊपर में आपको काम करते हो, तो एक अच्छे क्वालिटी का पैनल आपकी आंखों के लिए एंड एक अर्गोनॉमिक मॉनिटर आपके ओवरऑल पॉस्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लॉन्ग रन में आप इसके ऊपर में काम करोगे आपके लिए बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल निकल के आता है। ऑन दी अदर हैंड जो बजट सेगमेंट के आप मॉनिटर्स देखोगे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइप के कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए अगर आप एक सीरियसली अच्छे क्वालिटी का मॉनिटर ढूंढ रहे मार्केट में। नीचे मैंने वीडियो को पूरा टाइम स्टैम्प में डिवाइड कर दिया, अगर आप कोई स्पेसिफिक पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। वीडियो के एंड में अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है मुझे भेजो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। इसका बेस्ट बाय लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको ये पसंद आता है आप जाके वहां से खुद के लिए परचेज कर सकते हो। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी ज्यादा हाईली सिक्योर पैकेज के अंदर में ये प्रोडक्ट आप तक डिलीवर होता है। डब्बे को जैसे आप ओपन करोगे अंदर में आपको काफी सारे पेपर वर्क मिल जाएंगे जिसके अंदर में किस तरीके से उसको सेटअप करना है, उसका यूजर मैनुअल मिल जाएगा, वारंटी पेपर आपको मिल जाएगा, साथ में आपको एक 1.5 मीटर लंबा HDMI टू HDMI का केबल मिल जाता है जिसको आप डिस्प्ले आउटपुट के लिए यूज करोगे, एंड एक आपको थंडरबोल्ट का केबल मिल जाता है Type-C टू Type-C जो कि 65 वॉट के पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। तो इनकेस अगर आपके पास कोई थिन एंड लाइट लैपटॉप है जिसके अंदर में आपको Type-C का पोर्ट दिया गया चार्जिंग के लिए तो आप डायरेक्टली इस मॉनिटर से अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते। तो आपको केबल का जो क्लस्टर है वो आपके लैपटॉप में कम से कम हो जाएगा एंड देखने से आपका जो सेटअप रहेगा वो काफी ज्यादा मिनिमल एंड काफी ज्यादा प्रोफेशनल देखने को लगेगा। इसके अलावा बॉक्स के अंदर में आपको स्टैंड के लिए दो पार्ट मिल जाएगा, जो बेस प्लेट है इसके नीचे में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का मोटा सा मेटल शीट लगाया गया ताकि ड्यूरेबिलिटी अच्छी मेंटेन रहे, एंड ऊपर में आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का व्हाइट कलर का प्लास्टिक दिया गया जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंस बॉडी के साथ बनाया गया। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग रन में किसी भी तरीके का ग्लॉस फिनिश नहीं होने से आपको स्क्रैचेस कम से कम विजिबल रहेंगे। यहाँ पे आप पेन या फिर अपना मोबाइल फोन होल्ड कर सकते हो, जो ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स रहेगा वो भी काफी अच्छे से मेंटेन रहेगा। एक आपको स्टैंड का पार्ट मिल जाता है जो कि हाइट को एडजस्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल निकल के आता है, एंड इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी काफी शानदार है। किसी भी तरीके का आपको बहुत ज्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो बजट सेगमेंट के मॉनिटर्स होते हैं उसके अंदर में ये जो क्वालिटी रहता है वो सबसे पहले मिसिंग रहता है। इसके अलावा इसको आप काफी अच्छा खासा स्वेवल एंड टिल्ट भी आप कर सकते हो, ऊपर नीचे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इसको 10/10 है। बहुत ही ज्यादा अर्गोनॉमिक एंड थॉटफुल प्रोसेस के साथ इसको बनाया गया है, एंड फाइनली नीचे वाले कंपार्टमेंट में आपको ये मॉनिटर मिल जाता है। जब आप इसकी पूरी असेंबली कंप्लीट कर लोगे तो देखने से ये जो मॉनिटर रहता है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्लास एंड प्रीमियम लगता है। इसका एक ब्लैक वाला भी वेरिएंट आता है, मैट फिनिश के साथ आता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा मेंटेनेंस में या फिर आप व्हाइट ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हो तो वैसे इसमें आप ब्लैक वाले के साथ भी जा सकते हो। मुझे पर्सनली ये जो व्हाइट कलर है वो बहुत ही ज्यादा अपीजिंग लगा था। इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन फीचर्स की अगर बात करें तो जैसे ही आप इस मॉनिटर को असेंबल कर लोगे सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो बेजल्स आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा ना के बराबर है, एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा व्हाइट कलर का स्ट्रिप मिल जाता है, BenQ का लोगो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट सेंसर मिल जाता है जो कि आपके रूम के हिसाब से आप किस ब्राइट कितना ज्यादा ब्राइट कंडीशन में हो या फिर कितना ज्यादा लो कंडीशन में हो उसके हिसाब से इसका जो कंडीशन है वो आपके ब्राइटनेस को कम ज्यादा करता रहता है ताकि आपकी आंखों पे ज्यादा फटीग ना हो एंड आपको मैनुअली बार बार ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने का हेडेक नहीं रहे। ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट तरीके से आपके लिए ब्राइटनेस को कम ज्यादा करता रहेगा। जब आप इसको घंटों घंटों यूज करोगे तो वैसे कि इसमें आपके जो इंटरनल कंपाउंड्स रहेंगे इस मॉनिटर के वो भी काफी गर्म होंगे, तो उनके हीट डिसिपेशन के लिए छोटे छोटे से वेंट दिए गए। जो आप बजट सेगमेंट के मॉनिटर्स देखोगे उनका जो वेंट रहता है वो ठीक स्टैंड के ऊपर में रहता है एंड काफी बड़े होते हैं जिसके वजह से उसके अंदर में डस्ट जो रहता है काफी ज्यादा घुस के खराब कर देता है। इस मॉनिटर को असेंबल एंड डिसअसेंबल करना भी बहुत ही सिंपल है, किसी भी टूल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ती है। बैक साइड में आपको छोटा सा एक व्हाइट कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको जैसे आप प्रेस करोगे तो जो लैचिंग मैकेनिज्म रहता है वो अंदर की तरफ चला जाता है, उसके बाद इसको आप बाहर निकाल सकते हो आराम से। अगर आपको लॉक करना है तो आप चाहो तो बटन को प्रेस भी कर सकते हो या फिर बिना प्रेस किए भी आप पुश करोगे तो अपने आप ही वो लॉकिंग मैकेनिज्म अंदर जाके एक कट का साउंड करेगा, उसके बाद वो लॉक हो जाता है। नीचे में ये वाला जो पार्ट है बेस स्टैंड से अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो तो बेस प्लेट में ही आपको एक थंब स्क्रू मिल जाता है, उसके मदद से उसको आप टाइट कर सकते हो, किसी भी आपको टूल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो काफी थॉटफुल प्रोसेस है। एक कमी मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो स्टैंड दिया गया इसके अंदर में छोटा सा कटआउट रहता ना, तो ये जो केबल अभी आपको दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर से राउट होते हुए पीछे से निकल जाता तो और ज्यादा बेटर अर्गोनॉमिक्स रहता। तो ब्रांड के लिए यही सजेशन रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसके ऊपर में काम करें तो स्टैंड के अंदर में कुछ इस तरीके का एक एडिशनल आप पास थ्रू बना दीजिए ताकि जो केबल रहे वो अच्छे से राउट हो पाए। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी
ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बजट सेगमेंट के जो मॉनिटर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट के मॉनिटर में स्विच करोगे तो वहाँ पे पोर्ट्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही आपको ज्यादा बेटर एंड सुपीरियर देखने को मिलेगी। इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर में आपको एक 16 एम्पीयर वाले कॉर्ड का सॉकेट मिल जाता है जो कि इसको पावर ऑन करने का हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले इसमें लेना चाहते हो किसी भी लैपटॉप मॉनिटर या फिर आप मैकबुक इवन आप ओन करते हो तो तीनों टाइप के ही आप यूजर्स इसको बाय कर सकते हो। इसके अंदर में आपको HDMI पोर्ट मिल जाएगा डिस्प्ले इन लेने के लिए, एक DP पोर्ट मिल जाएगा एंड एक आपको थंडरबोल्ट का पोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर में आपको डेजी चेन अगर आप करना चाहते हो, लेट सपोज आप डुअल मॉनिटर पे आपका कुछ काम रहता है, आप कोडिंग करना चाहते हो, एक तरफ आप कुछ एक्सपेरिमेंटल काम करो, दूसरे साइड में आप कोडिंग करना चाहते हो या फिर आपको लेक्चर अटेंड करो एंड सेकंड साइड में आप पैरेलली कुछ काम करना चाहते हो या फिर आपको ट्रेडिंग का काम है, तो वैसे केस में डुअल मॉनिटर का सेटअप बहुत ज्यादा हाईली रिक्वायरमेंट रहता है। तो वैसे केस में अगर आपके पास कोई लैपटॉप ओन करते हो तो उसमें आपको मालूम होगा कि सिर्फ एक ही HDMI का पोर्ट मिलता है, तो आपको एडिशनल से USB हब पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो 4,000-5,000 रुपए का आएगा। ऑन दी अदर हैंड इसको यूज करके डायरेक्टली आप एक छोटा सा 1 या 2 फीट का केबल आप डायरेक्टली अपने मॉनिटर में सेकंड वाला जो मॉनिटर रहेगा इसी से आप डिस्प्ले आउटपुट निकाल सकते हो, तो आपको जो केबल का क्लस्टर रहेगा वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर में आपको USB हब मिल जाता है जिसके अंदर में अगर आप कुछ इस तरीके का वायरलेस माउस या फिर कीबोर्ड कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पेन ड्राइव भी आप इसके अंदर में कनेक्ट करके कोई डेटा ट्रांसफर का काम कर सकते हो। आप जान लेते हैं इस मॉनिटर के डिस्प्ले परफॉर्मेंस के बारे में, बिकॉज आप जो इतना पैसा पे करो वो इसी चीज का है, बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती है। तो इसके अंदर में आपको 27 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर मिल जाता है, तो आपका जो टेक्स्ट का विजिबिलिटी रहेगा जो भी आप इंटरेक्ट करो या फिर आप कोई कंटेंट देख रहे हो वो काफी पंची एंड शार्प आपको देखने को मिलेगा। IPS पैनल का यूज किया गया तो आप किसी भी एंगल से इसको बैठ के देख लो 178 डिग्री तक ये आपको विजिबिलिटी में कहीं पे भी आपको इशू नहीं आएगा। साथ में इसके ऊपर में मैट फिनिश दिया गया, आपका जो इंटरेक्शन रहेगा आपके मॉनिटर से वो कहीं पे भी हैम्पर नहीं होगा, आप आराम से अपने स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे जो आप सेंसर देख रहे हो ये आपके रूम के ब्राइटनेस के हिसाब से आपके जो मॉनिटर का जो ब्राइटनेस है उसको कम ज्यादा करता है, जिस तरीके से आपको फोन के अंदर में वो ऑटो ब्राइटनेस वाला फीचर मिलता है सेम मैकेनिज्म पे ये भी काम करता है, आपके रूम के हिसाब से आपके ब्राइटनेस को कम ज्यादा करेगा, आपको मैनुअली बार बार इसको एडजस्ट करने का हेडेक जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर में बहुत सारा यूरोपियन स्टैंडर्ड के सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपकी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया, प्लस इसके अंदर में आपको TUV रेनलाइन का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है जो कि ब्लू लाइट को फिल्टर करने में काफी हेल्प करता है। लॉन्ग रन में अगर आप घंटों घंटों इसके ऊपर बैठे रहोगे आपका ब्लू लाइट आंखों में जाता रहेगा तो आगे चल के वो आपकी आंखों को खराब कर सकता है, तो उन सभी चीजों में ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा इसके अंदर में आपको कोडिंग मोड मिल जाता है जिसको आप इनेबल अगर कर देते हो तो आपका जो टेक्स्ट है वो काफी पॉप होकर निकलता है, आपको बार बार एक एक टेक्स्ट के ऊपर में ज्यादा आपकी आंखों पे फटीग नहीं आएगा, आप आराम से वो एक तरीके से स्पून फीड करके आपको दिखाता है कि हाँ भाई ये टेक्स्ट है इसको आप देख लो इसको आप देख लो। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट करने में, बट जैसे ही आप 1-2 महीना आप उसको यूज करोगे ना आपको बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा कोडिंग करने में। अगर आपको न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है तो आप इसके कलर को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस मॉनिटर के अंदर में आपको 75Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो आप में से जिन लोगों को स्टोरी मोड्स वाले गेम्स खेलने का बहुत ज्यादा शौक है हाई रेजोल्यूशन पे तो वैसे कि इसमें आपको काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस इसके साथ आएगा। ये जो मॉनिटर है कॉम्पिटेटिव गेमर्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया, जैसे वैलोरेंट हो गया, CS:GO हो गया, PUBG हो गया, वहां पे आप 180Hz से लेकर 240Hz तक आप जाओगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, बट उनके उस वाले मॉनिटर का एक नुकसान ये होता है कि उसके अंदर में आपको मैक्सिमम 250 निट्स तक ही पीक ब्राइटनेस मिलती है, बहुत रेयरली आपको किसी में 350 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। तो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट एंजॉय करना, आपको हाई रेजोल्यूशन वाले गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस निकल के आता है गेमिंग में। इस मॉनिटर के एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर में आपको 2-2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड साथ में आपको एक ऑडियो जैक भी मिल जाता है माइक्रोफोन के लिए, एंड ये दोनों ही आपको नॉइज कैंसिलेशन में हेल्प करता है। तो जो आपका माइक्रोफोन वाला पोर्ट है वो आपके नॉइज का जो भी आप काम करो आपके बैकग्राउंड में जो भी नॉइज रहेगा उसको फिल्टर करके सामने वालों को एकदम क्लियर साउंड सुनाई देगा, एंड साथ में जो स्पीकर वाला पार्ट है उसमें अगर आप नॉइज कैंसिलेशन ऑन करते हो तो आप जिससे भी बात करो उनके अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है तो उनके बैकग्राउंड के नॉइज को कम कर देगा एंड उनकी जो आवाज है सिर्फ वो आपको सुनाई देगी। तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, स्पेशली अगर आप मीटिंग्स में हो, अगर आप YouTube पे कुछ कंटेंट देख रहे हो तो वैसे कि इसमें आपको इसका जो AI नॉइज कैंसिलेशन है उसको आप ऑफ रखना, नहीं तो जो भी आप डांस देख रहे हो या फिर कोई गाना देख रहे हो तो बैकग्राउंड जो म्यूजिक बजेगा उसको वो फिल्टर कर देता है नॉइज समझ के। तो इस प्राइस रेंज में ये जितने चीजें आपको ऑफर कर रहा है चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, डिजाइन हो, फीचर्स हो, वो शायद ही कोई दूसरा मॉनिटर आपको इतनी सारी चीजें इतने कम प्राइस में ऑफर करे, तो ये मॉनिटर मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। जो कॉन्स मैंने आपको बताया, जैसे आप में से जो भी कॉम्पिटेटिव गेमर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो तो आप कोई दूसरा मॉनिटर देख सकते हो, बट मेरे तरफ से ये जो मॉनिटर है वो हाईली रिकमेंडेड है एंड इसका जो बेस्ट वाला लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके वहां से खुद के लिए परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, सुझाव हो, आप भेजिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय एंड पीस।